अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कसूरी किचन। तो दोस्तों, आज मैं कसूरी किचन में कसूरी मेथी और चिकन बनाने लगा हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, जल्दी बनता है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर दबाएं। उसका फ़ायदा ये है कि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, मेथी और चिकन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, ये देखिए, ये मैंने आधा किलो मेथी लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह 3 से 4 मरतबा धो लिया है। इसका धोने का तरीका, बड़ा बर्तन लें, उसके अंदर डाल के पानी डालें और 2 से 3 दफ़ा इसको निकालेंगे तो इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाएगी। और ये 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है। और यहाँ मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 मैंने बड़े प्याज लिए, उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। और ये मैंने आधा प्याली जो है वो दही ली है, उसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। और ये मैं मक्खन का इस्तेमाल करूँगा एंड के ऊपर। और ये मैंने धनिया लिए हैं, इनको भी मैंने काट लिया है। और मसालों में मैंने ज़ीरा 1 चम्मच लिया है, गरम मसाला 1/2 चम्मच लिया है, 1/2 चम्मच मैंने लाल पीसी हुई मिर्ची लिया है, 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया है और 1/2 चम्मच जो है वो मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 ही चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। और ये देखें, ये मैं 1/2 कप से कम जो है वो मैंने तेल लिया है। तो जी दोस्तों, यहाँ मैं एक आपको टिप देता हूँ, ये जो मेथी है इसमें करवाहट होती है, तो आप इसको नमक लगा के थोड़ी देर रखेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि इसकी करवाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों इसको बनाने के लिए। जी ये देखिए, मैंने बर्तन को ऊपर रख दिया, इसको चूल्हे को ऑन करते हैं। तो मैंने चूल्हे को जो है ऑन कर दिया है, बर्तन को गर्म करते हैं, उसके बाद इसके अंदर तेल डालते हैं। जी बर्तन को मैंने गर्म कर लिया, मैं अब इसके अंदर तेल डालता हूँ। तेल को थोड़ा सा गर्म करते हैं, उसके बाद इसके अंदर प्याज डालते हैं। जी हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया, मैं इसके अंदर प्याज डालता हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हैं, ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना, हल्के गोल्डन ब्राउन करते हैं। जी जी देखिए, हमारा प्याज जो है हल्के गोल्डन हो गए। अब मैं इसके अंदर जो है जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड डिश मिल जाएगा। लहसुन का पेस्ट, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। जी हमारा जो है वो मैंने इसके अंदर ज़ीरा और पेस्ट जो डाला था अदरक लहसुन का, अच्छी तरह मिक्स हो गया। मैं इसके अंदर चिकन डालता हूँ, इसको भी मैं अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए भून लेता हूँ ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब इसके अंदर मसाले और टमाटर वगैरह ऐड कर दिए हैं, अब मैं इसको अच्छी तरह 2 मिनट के लिए भून लेता हूँ। जी ये मैंने इनको अच्छी तरह जो है वो भून लिया है, अब मैं इसके अंदर दही ऐड करता हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह मैंने दही ऐड कर दी है। अब मैं 2 मिनट के लिए दही को जो है वो मिक्स करूँगा और उसके बाद इसके अंदर मैं मेथी वगैरह ऐड करूँगा। जी ये देखें, मैंने इसको 2 मिनट के लिए जो है अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको हलाता हूँ और साथ में इसके अंदर जो है मेथी जो है ऐड करूँगा। मेथी और चिकन जो है बहुत से तरीक़ों से बनता है, तो मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान जो है रेसिपी आप तक पहुँचाऊँ। ये देखिए, मैंने मेथी ली है, इसको मैंने नमक लगा लिया था, अब मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, इससे करवाहट जो है, नमक लगाएंगे तो करवाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो जो खाने का जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जी अब मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धनिया ऐड कर दिया, अब सब्ज़ी मिर्ची मैं ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखें, मैंने मिर्ची भी ऐड कर दी, अब इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करता हूँ और 5 से 7 मिनट के लिए जो है इसको मैं अच्छी तरह जो है वो पकाता हूँ ताकि हमारा पानी और सब चीज़ें जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जी मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाता हूँ। जी ये देखें, मैंने जो है हल्की आग पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाया है, अब मैं इसका जो है 2 मिनट के लिए जो है इसका पानी जो है वो खुश करते हैं। तो हमारी आज की जो है मेथी और चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्लेम को थोड़ा सा हाई करता हूँ ताकि हमारा पानी जो है वो जल्दी खुश्क हो जाए।
जी ये देखिए हमारा पानी जो है कुछ हो गया, तेल जो है वो ऊपर आ गया है। अब मैं फ्लेम को लो करता हूँ, आग को कम कर देते हैं और इसके अंदर मक्खन डालते हैं। ये देखिए डिश, ये चार पीस मैंने मक्खन के लिए इसके अंदर डाल दिए। अब इसको 2 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे तो हमारी मेथी और चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। इसको 2 मिनट के लिए दम देता हूँ, हमारी आग जो है वो बिल्कुल कम है। जी ये देखें मक्खन जो हमारा तैयार हो गया है, ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। जी ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी चिकन और मेथी जो है वो रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, मैंने मक्खन डाला है तो उससे इसका जायका और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।